कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं लेने के झारखंड सरकार के आदेश की अवहेलना धनबाद में की जा रही है। दो वर्षों तक कोविड काल में फीस नहीं देने वाले छात्रों को डीएवी स्कूल ने रिजल्ट देने से इनकार किया है। इसके साथ ही अभिभावकों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया है। कोरोना काल की फीस जमा नहीं करने पर धनबाद के छात्रों पर गिरी गाज। धनबाद डीएवी स्कूल ने कई बच्चों को रिजल्ट देने से किया इनकार। नाराज अभिभावकों का हल्ला बोल। कोरोना काल के दौरान प्राइवेट स्कूल फीस नहीं लेने के आदेश के बावजूद भी धनबाद में मनमानी कर रहे हैं। दो वर्ष कोविड काल के दौरान स्कूल फीस नहीं जमा करने वाले छात्र छात्राओं को डीएवी पर स्कूल प्रबंधन ने रिजल्ट देने से इनकार कर दिया है। स्कूल प्रबंधन के अनुसार जब तक फीस जमा नहीं किया जाएगा तब तक उन बच्चों का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। स्कूल की इस मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने कोयला नगर डीएवी स्कूल में जमकर हंगामा किया और स्कूल प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप लगाया। अभिभावकों के अनुसार एक प्रत्येक छात्र पर स्कूल का 20,000 से ज़्यादा का फीस बकाया है, जिसे स्कूल एक मुश्त देने का दबाव बना रहा है। लोगों ने किस्तों में पैसे चुकाने की फरियाद की है, जिसे स्कूल प्रबंधन ने नकार दिया है। स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के इस जंग का खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं। रिजल्ट नहीं मिलने के कारण छात्रों को उनका भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा है। जितना भी मैनेजमेंट है ये बोल रहे हैं कि जो कोविड का समय का फीस था, फीस नहीं उसको आप पेनल्टी बोल सकते हैं, जबरदस्ती का फीस बोल सकते हैं। हम लोग सारे पेरेंट्स 2000 मार्च तक का फीस पेमेंट कर चुके हैं। जितने भी यहाँ पेरेंट्स हैं सभी का ट्यूशन फीस 2 मार्च 2023 का सभी का जमा है। उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि जो कोविड टाइम का पेमेंट है वो क्लियर करें, और इसके पहले ये कम्युनिकेशन एक बार भी ना मैसेज ना मेल ना फोन किसी भी माध्यम से नहीं किया गया था कि ये देना पड़ेगा। आज बच्चे को स्कूल में सामने लेके आया रिजल्ट देने के लिए, तो बच्चे के सामने बोला जा रहा है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका 17,000 रुपये एक बच्चे का बाकी है। जब हम लोगों ने कहा कि हमारा फी क्लियर है 2000 मार्च 2023 तक, तो वो लोग बात करते हैं आप लोग को नियम नहीं है मालूम है, बच्चे पे खराब इफेक्ट पड़ेगा। भैया जब आपके सामने आप बोल रहे हैं, स्कूल बोल रहा है कुछ बताया आपको? हाँ, कि आपको साथ प्रमोट नहीं करे बच्चे को, आपके बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, ऐसा थ्रेटनिंग है। जबकि ये मामला कोर्ट में है और कोविड टाइम में श्रीवास्तव सर का ये स्टेटमेंट था कि केवल ट्यूशन फी के अलावा कुछ पेमेंट ना करें कोविड टाइम का, बाकी कुछ नहीं पेमेंट करना है। बट अचानक से आज रिजल्ट के दिन ये बोला जा रहा है कि सब देना होगा। जयप्रकाश सिंह, सरकार के आदेशों के बावजूद प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं और इस मनमानी का खामियाजा धनबाद के डीएवी स्कूल में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ऐसे में निजी स्कूलों पर सरकार की कितनी लगाम लगती है ये देखना बाकी है। मुखर संवाद के लिए धनबाद से एमाली की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।